हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के दिल की बात, उनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, चले चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। वो ट्रूली, उनके इंटेंशंस, ट्रूली फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो ट्रूली क्या फील करते हैं दिल से आपके लिए। उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, उनके ट्रूली फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए क्या होता है। ठीक है, वो क्या फील करते हैं। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, ये आपसे रेजोनेट नहीं करती तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप स्क्रॉल करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करके उसके ऊपर रीडिंग्स देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर ट्रूली आपके लिए क्या फील करते हैं, ट्रूली उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो उनका दिल आपके लिए क्या सोचता है। जब भी वो आपको देखते हैं, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनके दिल से क्या निकलता है आपको देखते ही, आपको सोचते ही, और ट्रू फीलिंग्स उनकी क्या हैं आपके दिल से उनके। एक हम अपेरेंस पे नहीं जा रहे, हम किसी अट्रैक्शन पे नहीं जा रहे, हम एक दिल की बात कर रहे हैं, उनके दिल की बात क्या है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर के लिए, उनके पार्टनर दिल से क्या सोचते हैं, उनके दिल में उनको देखते ही क्या आता है। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड। सिक्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, सिक्स नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। दी चैरियट, आपके पार्टनर सबसे पहले तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है पास्ट में ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है, आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया हो, कुछ ना कुछ ऐसा किया हो जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, उन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट करके आगे मूवमेंट की हो, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो पास्ट को सोचते हैं, मैंने कैसा क्यों किया, मैंने ये ऑफ़र रिजेक्ट, लेकिन उन्होंने ऑफ़र रिजेक्ट किया आपके पास्ट में, उन्होंने आपके रिलेशनशिप से निकले, वो आपके ना चाहते हुए भी वो इस साइकिल को ख़त्म करके, इस साइकिल को एक एंडिंग करके गए वो। ठीक है, वो सोचते हैं पास्ट के बारे में कि मैं अगर इस रिलेशनशिप में रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। उनके माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं अक्सर। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिल में क्या है, ट्रूली उनके दिल में क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है। वो जब भी मेरे व्यूअर को देखते हैं तो उनके दिल में क्या चलता है। वो आपको बहुत ज़्यादा एक रहम दिल इंसान समझते हैं। सबसे पहले उनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, आप देने पे बिलीव रखते हैं। उन्होंने ऐसे इंसान को ठुकराया था पास्ट में। सिक्स ऑफ सोर्ड, वो आपको छोड़ के जब आगे गए, दी चैरियट, उनको लगा था बहुत तेज़ी से जा रहे हैं वो, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्लैरिफाई, सिक्स ऑफ पेंटिकल, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिल में ट्रूली क्या है मेरे व्यूअर के लिए। मैं टू कार्ड नहीं रहूँगी तो इसलिए एक बार शफल फिर करेंगे हम। दी स्ट्रेंथ, अब वो आपको अपनी स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, वो आपको स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं रहे हैं, आप हेल्पिंग हैंड आपका अभी भी है। टेन ऑफ कप्स, वो इमोशनल आपके लिए हैं और वो हर्ट फील करते हैं, जो पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया उसकी वजह से आज वो खुद हर्ट फील करते हैं। टू ऑफ सोर्ड, उनको नहीं समझ में आ रहा वो आपकी तरफ मूवमेंट कैसे लें, वो ट्रूली ये फील करते हैं। दी हर्मिट, वो हर्मिट पोजीशन में है। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है लियो हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, और अभी तक एरीज लियो सैजिटेरियस हमारे पास नहीं है। हाँ, आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, और फायर साइन हो सकते हैं। फायर साइन में सिर्फ लियो आ रहा है। ठीक है, अर्थ साइन
भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट यहाँ पे डायरेक्टली एक वर्गो का कार्ड है। फिर हमारे पास लास्ट में आ गया, नहीं लास्ट में नहीं, ये तो वर्ल्ड है, इसके नीचे क्या है, थ्री ऑफ पेंटिकल। वो वर्क करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आप वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो पास की चीज़ों को देख कर खुद हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। वो क्या करें, वो कन्फ्यूज़ हैं, वो किस तरीके से स्टेप लें। उनके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनकी फैमिली की, जिसकी वजह से वो हार्ट ब्रोकन होते हैं। वो चाहते हुए भी आपकी तरफ कोई मूव नहीं कर पा रहे, वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं, अपनी ज़िंदगी की जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको कैसे क्लियर करें, वो कैसे सॉल्व करते चले जाएँ उनको, क्योंकि आपकी तरफ उनको आना है, लेकिन वो कैसे आए। उनके ऊपर फैमिली प्रेशर है, या फैमिली उनकी डिपेंडेंट है उनके ऊपर, या उनका जॉब का थोड़ा सा कोई इशू है, कुछ ना कुछ उनको ऐसा इशू है। उनको पता भी है, अगर आप वेट कर रहे हैं तो उनको ये है, उनका हार्ट ब्रोकन होता है कि मैं कैसे स्टेप लूँ उस इंसान के लिए। बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो, रात रात भर आपके बारे में सोचते हैं। दी हर्मिट एंड थ्री ऑफ पेंटिकल वो वर्क करना चाहते हैं, और दी वर्ल्ड उनको अब आप में अपना वर्ल्ड दिखता है, वो ये एस पेंटिकल वो ये आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, और एट ऑफ पेंटिकल वो वर्क करना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, सब रिलेशनशिप में आपके पार्टनर वर्क करना चाहते हैं। उनके उनकी ट्रूली जो डिज़ायर है, उनकी जो ट्रूली हार्ट से जो उनकी फीलिंग है आपके लिए, वो आपको देखते ही चाहते हैं कि आपको अपनी फैमिली में इंटर करना चाहिए, आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, आपके साथ मैरिज होनी चाहिए, आपके साथ फैमिली होनी चाहिए, आपके साथ किड्स होने चाहिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे राइट गाइड करें, मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिल में ट्रूली क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए, उनको देखते ही क्या सोचते हैं, उनका दिल क्या चाहता है, मेरे व्यूअर के लिए उनके दिल में क्या आता है। टू कार्ड नहीं चाहिए, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड गिव मी वन कार्ड। एक बारी में एक ही कार्ड, दी एम्प्रेस। देखा अभी मैंने आपको कहा, वो चाहते हैं कि एक्सप्लोजन, वो चाहते हैं कि लाइफ आपके साथ एक न्यू सफ़र पे जाए, एक न्यू बिगनिंग हो आपके साथ। देखें फूल भी आ गया, दी फूल, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। किंग ऑफ फैंड्स, क्वीन, वो आप चाहते हैं जो आपने उनसे अब मुंह मोड़ लिया है, उनका वेट कर करके आप जो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो आप रुक जाएं, वो जजमेंट, वो प्रेयर कर रहे हैं कि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली एक हम इकट्ठे बनाएं, आप वो आपके लिए कुछ कर सकें, वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कोई ना कोई वर्किंग कर सकें, वो प्रेयर कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली को राज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर स्टेप लेंगे। आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएं, चाहे पास्ट में उन्होंने जाने दिया अपनी फाइनेंशियल इशू की वजह से, अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से आपको पास्ट में जाने दिया, लेकिन अब वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है उनको कोई नहीं मिल पाएगा जैसे आप हैं, उनको सेकंड कोई ऐसा मिल नहीं पाएगा जैसे आप। एक एक जितना आप गिविंग पॉइंट में रहते हैं, जितना आप इनपुट देते रहते हैं, उनको कोई इतना आपके जैसा सॉफ्ट हार्टेड, मदरली, केयरली नेचर, उनका उनके उनकी उनके उनके लिए ज़िंदगी में ऐसा सहारा और ऐसा इंसान जो हर मोड़ पर उनको थाम ले, उनका ऐसा कोई इंसान मिल नहीं पाएगा। दी फूल, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो अगर ये सब चीज़ें एंडिंग हो भी चुकी हैं तो वो एक चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में एक न्यू बिगनिंग आए, एक न्यू स्टार्ट आए, ताकि वो आपके साथ एक न्यू जर्नी पे चल सकें। वो अपने सर्कमस्टेंसेस चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसा ना हो वक्त बहुत हो गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं, वो ये सब कुछ देख नहीं पाएंगे। उनको आपके लिए काम करना है, चाहे फैमिली से फाइट करना पड़े, चाहे उनको कुछ भी करके ये स्टेबिलिटी फाइनेंशियली भी लानी पड़े अपनी ज़िंदगी में, वो लाएंगे बाय हुक एंड बाय क्रूक। उनको ये हो गया है, मैं इस इंसान को जाने नहीं दे सकता। उनके दिल में जब भी वो आपको देखते हैं, उनके दिल में एक चाह होती है, एक रियलाइज़ होता है उनको, मैंने कितना गलत किया, मैंने किस इंसान को अपने आप से दूर किया और किन चीज़ों के लिए किया और किसके लिए किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि फैमिली है, उसको अपनी चीज़ों से मतलब है,
अपने ख्वाहिशात से मतलब है, और अगर मेरी जॉब है तो मेरे बॉस को मेरे काम से मतलब है। एक ये इंसान है जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। एक ये इंसान है जिसको कोई डिमांड ही नहीं है, जिसको सिर्फ मैं चाहिए, मेरी एक स्वीटनेस चाहिए, मेरी एक कामनेस चाहिए, और मुझे इसकी चाहिए। तो वो आपके लिए और आप उनके लिए, उनको ये बात क्लैरिफाई हो चुकी है उनके दिल में। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है आप ये रिलेशनशिप ऐसा है, मैं इसलिए इसमें ये निकाल रही हूँ कि कोई एक्शन हो नहीं पा रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, चलें हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर, मेरे व्यूवर के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, इल्यूजन में आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा उनको स्टक करके उनके सरकमस्टेंसेस ने ऐसा रखा हुआ है, उनके ऊपर ऐसे बर्डन्स डाले हुए हैं, वो इल्यूजन में हैं आपके पार्टनर। दी टावर, कुछ वो कुछ ना कुछ मेंटली ट्रॉमा में रहते हैं, उनकी फैमिली या जो भी है, जो भी उनको रोक रहा है, उनको आए दिन कोई ना कोई ट्रॉमा उनको फेस करना पड़ता है उसकी वजह से। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई ना कोई स्टेप लेंगे उनकी तरफ, कोई ना कोई एक्शन लेंगे उनकी तरफ, उनकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, उनको कम्युनिकेशन करेंगे, उनसे इस बारे में बात करेंगे। एक तो आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं अपनी अपनी फीलिंग्स को जो है ना अपने अंदर ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कह नहीं पाते जितना वो फील करते हैं, कह पाते होंगे लेकिन इतना कुछ नहीं कह पाते। किंग ऑफ फ्रेंड्स, देखें बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर। जब से ये सब चीज़ें उनको लगा है कि मेरे ऐसे कुछ चीज़ें जिनकी वजह से चीज़ें दूर गई हैं, उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दी हैंग मैन, आपके पार्टनर हैंग्ड हैं आपके ऊपर। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर के लिए वो कोई एक्शन लेंगे। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड करें प्लीज़। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर वापस वही सब कार्ड्स आ रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए वो कोई ना कोई स्टेप लेंगे, कोई ना कोई कम्युनिकेशन उनसे करेंगे, कोई ना कोई बात करेंगे इस हवाले से जो वो उन जो वो चाहते हैं दिल से। क्लियर तो हो गए हैं वो, उनको आप चाहिए, उसके अलावा आपके अलावा कोई नहीं चाहिए। विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, नाइन ऑफ कप्स, वो आपको अपनी विश समझते हैं लेकिन स्टक हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं। एट ऑफ सोर्ड एंड एट ऑफ पेंटिकल, ये कार्मिक कुछ आपके साथ कार्मिक बैगेजेस हैं उनके भी और आपके भी, जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाते, जब तक आपके पार्टनर कोई ना कोई स्टेप नहीं ले सकेंगे, ना वो आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना वो आपकी तरफ आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? चलो मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ। थोड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है आपकी, देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। आपके पार्टनर इस वक्त कोई स्टेप नहीं ले सकते, वो हैंग्ड हैं, वो अपनी सिचुएशन में इतने हैंग्ड हैं कि वो क्या बताएं। वो आपको ये बातें बताएं भी तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि वो दिल से चाहते ही क्या हैं। वो आप इसलिए ट्रस्ट नहीं करेंगे, भाई करते क्यों नहीं हो, कोई इंसान इतना इतना भी स्टक नहीं होता। लेकिन जो जो कार्मा होता है ना हमारा, जो कार्मिक पास्ट, जो पास्ट बैगेजेस होते हैं हमारे साथ जो चलते आ रहे होते हैं पास्ट लाइफ से, पास्ट चीज़ों से, वो बहुत हार्ड होते हैं। उनको हमें यहाँ पर उनको सब चीज़ों को हमें जो है ना टाइम देकर उनको क्लियर करना पड़ता है यहाँ आकर, आपको भी और उनको भी। जब कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, सोलमेट कनेक्शन होते हैं, ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा उन रिलेशनशिप्स में होती हैं जो पास बैगेजेस को क्लियर करना ज़रूरी होता है इधर दोबारा न्यू रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए। अनफिनिश सिम्फनी, अभी ये स्टोरी एंड नहीं हुई है, इसमें अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। मैं आपको अभी यही कह रही हूँ कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ कर नहीं पा रहे। वाई, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वाई मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। कम टू द एज, अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है लेकिन आपकी अभी स्टोरी में ब्लॉकेजेस हैं, अभी वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। कम टू द एज, ये सब कुछ एंडिंग की तरफ आएगा, क्लीन इट अप, लेकिन सब कुछ क्लीन होगा। नॉट फॉर यू, वो इस कुछ है जो अभी इस वक्त आपके लिए नहीं है। नॉट फॉर यू, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, कुछ ऐसा है जो आपके लिए
अनफिनिश्ड सिम्फनी मतलब ये अभी सिचुएशन एंड नहीं हुई है, आप इसको अभी एंड मत समझें। बिल्डिंग ब्लॉक्स, अभी कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनको रिजॉल्व होना ज़रूरी है। वाई आप बार बार अपने आप से क्वेश्चन कर रहे होंगे ये सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों, और आपके पार्टनर भी इसी तरीके से वो कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ वो चाहती है तो हम ही क्यों, कुछ मैं स्टेप क्यों नहीं ले पा रहा। कम टू द एज, ये सब चीज़ें एक एज पर आएंगी, क्लीनेट अप, इनको क्लीन क्लीन होना पड़ेगा, लेकिन नॉट फॉर यू, इट मीन्स नॉट फॉर नाउ, मेरी नज़र में नॉट फॉर नाउ, इस वक्त के लिए नहीं है, अभी कुछ टाइम लगेगा इस कार्मा को क्लींज होने के लिए। ठीक है, रीडिंग में यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।